नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आज हम आपको साइबर सिक्योरिटी एनिमेशन बनाकर बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस क्यूब को यहां से हाइड कर देता हूं और फिर हम यहां पर स्क्रीन कास्ट की को ऑन कर देता हूं। ओके, तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले ऐड के सेक्शन में जाएंगे और हम यहां पर लेंगे एक प्लान। ओके, और प्लान लेने के बाद जो है हम यहां पर यूज़ करेंगे ज्योमेट्री नोड, और हम चले जाएंगे ज्योमेट्री नोड पे और फिर हम करेंगे न्यू। न्यू करने के बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं स्टैंड ऑन पॉइंट। ओके, इसके बीच में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे स्टैंड ऑन पॉइंट। यहाँ पर ये यह क्यूब है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे। ओके, और ड्रैग करने के बाद जो है हम इस ज्योमेट्री को कनेक्ट करेंगे स्टैंड के साथ। ओके, हमने ज्योमेट्री नोड को स्टैंड के साथ कनेक्ट कर दिया। एस प्रेस करके हम जो है इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले हम इसको रिलेटिव करेंगे और एस प्रेस करके इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर स्मॉल हो गया, आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक लॉक टेक्चर इमेजेस का यूज़ करने वाले हैं, तो हम ऐड के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इमेज स्ट्रक्चर। ओके, और इमेज स्ट्रक्चर, और इसको हम साइड पे रखेंगे और हम यहाँ पर कलर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे और फिर हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे और हमने एक दो इमेज यहाँ पर रखे हुए हैं, फ्री इमेज है। अगर आपको चाहिए तो हम लिंक, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर एक लॉक है, उसको हम यहाँ पर लेंगे इसका इमेज। ओके, तो हम यहाँ पर रखे हैं इसको, तो इस लॉक PNG को हम लेंगे। ओके, और इस तरह के दोनों इमेज को हम जो है इसका लिंक आपको दे देंगे और आप इसे डाउनलोड कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा इस सॉकेट के साथ जो है वेक्टर को, इसके साथ कनेक्ट करेंगे सॉकेट के साथ, तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और फिर ये जो वेक्टर का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूवी मैप का ऑप्शन है, इसको हम लेकर आएंगे। अब ये बिल्कुल दिखाई नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर, इसका कारण ये है कि यहाँ पर सब डिवाइड नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सब डिवाइड मेस। ओके, सब डिवाइड मेस, और यहाँ पर लेवल रखेंगे 3। ओके, अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पर करूँगा 6। ओके, देख सकते हैं इसमें लेवल बढ़ गया है। और क्यूब को यहाँ सेलेक्ट करूँगा और एस प्रेस करके हम जो है इसको स्मॉल करेंगे। ओके, इसमें आप चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं, तो चलिए हम इसमें स्केल करते हैं। तो हम चले जाते हैं लेआउट के सेक्शन में और ये जो क्यूब है इसको हम मॉडिफाई करेंगे, स्केल करेंगे। स्केल टूल को हम जो है हल्का सा इसको स्केल करेंगे। ओके, हमने इसको स्केल कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पर एक प्लेन और लेंगे। तो चलिए हम एक प्लेन लेते हैं। ओके, हमने इस यहाँ पर एक प्लेन ले लिया और इस प्लेन को हम जो है थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ओके, इस जगह पे, और फिर हम यहाँ पर इसमें भी हम ज्योमेट्री नोड का इस्तेमाल करेंगे। हम चाहें तो एक ही जगह पे इसको कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम इसको अच्छी तरह समझाने के लिए हम इसको अलग अलग कनेक्ट करेंगे। तो न्यू के सेक्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टैंड ऑन पॉइंट। स्टैंड ऑन पॉइंट, ओके, स्टैंड ऑन पॉइंट। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इमेज। ओके, इमेज स्ट्रक्चर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इमेज लेंगे यहाँ से। तो हम जाएंगे यहाँ पर लेआउट के सेक्शन में और फिर यहाँ से हम जाएंगे ऐड के सेक्शन में, और ऐड के बाद यहाँ पर ऑप्शन है इमेज का, इमेजेस प्लेन, इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे हमने एक इमेज रखे हैं। ओके, और ये इमेज है लॉक का इमेज। ओके, और ये इमेज हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब ये इमेज आपको यहाँ पर खड़ा दिखेगा, तो इसका कारण है कि एक्स डायरेक्शन 90, तो हम यहाँ करेंगे इसको 0। फिर जेड डायरेक्शन में भी 90 है, तो हम इसको करेंगे 0। तो यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन अभी वो लॉक आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम जाएंगे सेटिंग मोड में, तब इस ये दिखाई देगा। तो हम आपको दिखाते हैं सेटिंग में जाके, तो ये लॉक इस तरह से दिखाई देगा। ओके, आप चाहें तो इसको स्मॉल कर सकते हैं। और फिर जो प्लेन है, अभी आपने जो प्लेन लिया है, ओके,
हमने यहाँ पर ज्योमेट्री नोड अप्लाई कर दिए हैं। तो इस लॉक को, इस पीएनजी को आप यहाँ से ट्रैक करके लाएंगे और फिर मैं जो है इसको ट्रैक करके यहाँ पर लेकर आएंगे ट्रैक करके, ओके। और फिर हम इस ज्योमेट्री को स्टैंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, ये कनेक्ट हो गया है, लेकिन अभी इसका कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह से दिखाई देगा। और इसको रिलेटिव करेंगे और फिर एस प्रेस करके हम इसको स्मॉल कर सकते हैं, ओके। और इसको बीच में कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसको, ओके। इसको बीचों बीच कर सकते हैं, ओके। और अगर आप इसको स्मॉल करना चाहें तो इसको स्कैन करेंगे, एस प्रेस करेंगे और ये हो जाएगा स्कैन। और फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं ये अभी हम जो है इस पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री थ्री लॉक हैं, तो हमको ज़्यादा लॉक दिखाना है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम सब डिवाइड मेस, ओके। तो ये है सब डिवाइड मेस और यहाँ पर लगभग आप करेंगे थ्री, ओके। अगर आप बढ़ाना चाहें तो और थ्री कर सकते हैं, इसको मैं सिर्फ टू करके ही रखूँगा, ओके। अब यहाँ पर टू हो गया, लेकिन आप इसको, इसके जो स्केल है लॉक का, उसको हम करेंगे रैंडम। तो स्केल यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं रैंडम, रैंडम वैल्यू, ओके। रैंडम वैल्यू स्केल करने के लिए रैंडम वैल्यू, और स्केल के साथ जो है वैल्यू के यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें जो लॉक है वो रैंडम स्मॉल और फिर कैपिटल यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप लेवल बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मैं फ़िलहाल इतना ही रखूँगा, ओके। और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर इसका एनिमेशन करेंगे, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे स्केल इंस्टेंट, स्केल इंस्टेंट, स्केल इंस्टेंट को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैथ, वेक्टर मैथ, वेक्टर मैथ नोड, और वेक्टर मैथ नोड को हम कनेक्ट करेंगे स्केल के साथ, ओके। इसके बाद यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मैथ नोड, मैथ नोड, ओके। शिफ्ट डी के साथ इसका डुप्लीकेट लेंगे और फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू यूज़ करेंगे और फिर हम जो है वैल्यू के साथ वैल्यू को कनेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इंडेक्स, इंडेक्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक जैसे एनिमेशन हो सके, ओके। इसको मिनिमम के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये वैल्यू के साथ वैल्यू को कनेक्ट करेंगे और ऐड को हम जो है ऐड के साथ कनेक्ट करेंगे, ओके। अब ये इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे मॉड्यूलो, ओके, मॉड्यूलो एनिमेशन। और यहाँ पर यूज़ करेंगे सीन टाइम ऑटोमेटिक एनिमेशन, सीन टाइम, सीन टाइम को हम जो है वैल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे, ओके। तो टैप प्रेस, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से एनिमेशन हो रहा है, लेकिन ये एनिमेशन आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर एस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा दिख रहा है, ओके। अगर आप इसकी सब डिवाइड बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे और फिर हम जो है इसकी सब डिवाइड यहाँ से लेवल बढ़ा देते हैं, तो देख सकते हैं इसमें आपको लॉक यहाँ पर दिख रहे हैं, ओके। अब उसी तरह से हम जो है ये नीचे वाला ज्योमेट्री नोड है, इसको भी हम जो है एनिमेशन करेंगे। तो सेम टाइम एनिमेशन के लिए हम जो है इसके जो नोडे हैं नीचे वाला, जो हम वेक्टर एनिमेशन के साथ करे थे, उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इस तरह से कॉपी कर लिया, कॉपी, और फिर हम नीचे क्लिक करेंगे और फिर इसके साथ जो है यहाँ पर पेस्ट करके कनेक्ट कर देंगे। तो फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्केल इंस्टेंट, तो यहाँ जाएंगे स्केल इंस्टेंट, स्केल इंस्टेंट, ओके। और स्केल इंस्टेंट के बाद जो है हम डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे स्केल के साथ, स्केल के साथ। तो देख सकते हैं वो भी इसके साथ जो है एनिमेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्यूब है वो थोड़ा सा स्मॉल है, तो हमें ऐसा एस प्रेस करके थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, ओके। तो ये इस तरह से एनिमेशन हो रहा है। अब हम चले जाएंगे इसको, अब इसमें हम करेंगे कलर। तो कलर के लिए सिंपल है, हम जाएंगे सेटिंग पे और इसमें हम कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस काइंड पीएनजी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है रेंडर प्रॉपर्टी, इसमें एम्बाइन बूम, बूम इसलिए क्योंकि इसमें बूम इफेक्ट के लिए, ग्लो इफेक्ट के लिए, और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, ओके, ताकि इसका रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा लग सके।
और अगर आप चाहें तो मोशन ब्लूर को भी ऑन कर सकते हैं, और इस लॉक का कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी जो है PNG को हमने सेलेक्ट किया है, और फिर मैं जो है यहाँ पर इसका कलर आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 5। ओके, तो देख सकते हैं ये अभी कैमरा सेलेक्ट हो गया था। उसी तरह से हम जो है इसको, आप चाहें तो ज्योमेट्री नोड भी जाएंगे और यहाँ पर सेट मटेरियल सेट कर सकते हैं, या दूसरे तरीके ये है कि आप यहाँ पर ज्योमेट्री नोड को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप क्यूब पे कलर भर सकते हैं। तो चलिए क्यूब पे कलर भरते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर करेंगे, इसको करेंगे ब्लैक। ओके, ये ब्लू करके इसको हम थोड़ा सा ब्लैक करते हैं। ओके, और यहाँ मेटलिक करेंगे 1%, और 1% करने के बाद जो है इसका जो रफनेस है इसको डाउन करते हैं 0.215। ओके, और ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम यूज़ करेंगे पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट के लिए जो है हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले वर्ड की बैकग्राउंड को हम यहाँ करते हैं ब्लैक। तो चलिए हम इसको ब्लैक कर देते हैं। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे पॉइंट लाइट। तो ये पॉइंट लाइट, तो हम इस पॉइंट लाइट को अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे इस जगह पे, और पॉइंट लाइट की वैल्यू यहाँ से दे देते हैं 1000। और इसमें आप डिफरेंट टाइप का कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ब्लू। ओके, और शिफ्ट डी के साथ इसका एक डुप्लीकेट लेंगे, और इसका कलर आप दे सकते हैं यहाँ पर ब्लू, और शिफ्ट डी के साथ एक इसका डुप्लीकेट लेंगे, और इसका कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, अलग अलग कलर यहाँ पर दे सकते हैं, और हेंस, और शिफ्ट डी के साथ इसका डुप्लीकेट लेंगे, और फिर आप यहाँ पर भी इसका कलर दे सकते हैं अलग अलग। ओके, हेलो, आप चाहें तो इसमें सेम कलर यहाँ पर दे सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम सेट करेंगे कैमरा, और वेव के ऑप्शन में जाएंगे, और ये कैमरा को लॉक करेंगे, और फिर इस तरह से आप इसको सेट करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और आप देख सकते हैं ये है साइबर सिक्योरिटी एनिमेशन। और अगर इसका जो कलर है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर आप यहाँ पर चेंज करेंगे वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट कलर, वाह। तो अब इसका एनिमेशन हम आपको दिखाते हैं, जो कि इस तरह से एनिमेशन होगा, जो कि बहुत ही औसम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।